गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस छोटे से बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो गाइस, आपका एक बार फिर दोबारा स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक और बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। मेरे ही चैनल का नाम है राघव अशोक टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड आप सभी का मैं बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। आज की वीडियो को आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आज हम इस वीडियो के अंदर किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले विंडोज 7 के बारे में। हाँ, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि विंडोज 7 बंद हो रही है। बेसिकली विंडोज 7 बंद नहीं हो रही, विंडोज 7 के अपडेट्स बंद हो रहे हैं। दोस्तों, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 14 जनवरी 2020 से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 7 को एक्सपायर कर दिया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 को कोई भी सपोर्ट नहीं देगी। मैं पहले बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 को कोई भी सपोर्ट नहीं देगी। जैसे एक्सपी एक्सपायर कर दी गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऐसे ही विंडोज 7 को भी एक्सपायर कर दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसमें आपको कोई भी अपडेट्स देखने को नहीं मिलेगा 20 जनवरी 2020 के बाद से। यानी कि अभी आपका क्या चल रहा है, 2019 आएगा, तो अगले साल से इसके सारे अपडेट्स और सारे सपोर्ट इसका खत्म हो चुका होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का। यार, लेकिन मेरे हिसाब से ना अब भी इसको कोई अपडेट वगैरह नहीं मिलता है। मैं पहले बता दूं, अब भी इसको कोई अपडेट्स वगैरह मिलती ही नहीं है, जबकि मैंने भी अपने पीसी में इसको अपडेट्स पे सेट कर रखा है, लेकिन कोई भी अपडेट मजा रहे इसका आ जाए। और इसका सपोर्ट वगैरह तो यार छोड़ ही दो, कोई सपोर्ट अपोर्ट नहीं लेता, सब कॉपीराइट मार के चला रहे हैं। इससे विंडो उससे कॉपी कर ली, उसने उससे कर ली। देखो, विंडोज 7 के यूजर्स हैं बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर, लेकिन आपको बता दूं 100% यूजर में से ना 30% यूजर ही इसको विंडो को खरीदने का पैसा पे करते हैं, बाकी सब ऐसे फ्री में चला रहे हैं। आपके ATMs हो गए या वैसे हो गए, ATM हो गया, बैंक हो गया, या ऑफिस पर्पस के लिए आप पे करोगे कि हमारी विंडोज 7 को आप यूज कर रहे हैं, बाकी जो होम वगैरह के लिए हो गए या फिर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो गया, तो वो तो यार ऐसे ही चला रहे हैं। दोस्त से ले आए, उससे कॉपी मार दी, उससे उसने कॉपी मार ली, या फिर साइबर कैफे से डलवा ली, 250 रुपए की विंडो डलती है, आराम से डाल देते हैं कॉपी करके। तो कॉपीराइट क्लेम भी, कॉपीराइट क्लेम बोल रहा हूँ, कॉपीराइट विंडो होती है वो पूरी आराम से, वो विंडो फुली वर्किंग होती है। चाहे विंडो 7 अल्टीमेट डलवा लो, प्रोफेशनल डलवा लो, कोई से भी डलवा लो, या बेसिक डलवा लो, चलेगी सारी। विंडो XP तो मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं करता, पहले बता दूं। तो यार, ये था एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, तो मुझे लगा यार जरूरी है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार जाके, और साथ में ना यार बेल आइकन जो है ना वो जरूर दबा लेना। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई वीडियो डालूंगा तो उससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले जाके वॉच कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय।